हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को और कल के दिन होने वाली फिन निफ्टी की एक्सपायरी और होने वाला है ट्यूजडे का दिन। ट्यूजडे के दिन में हमें जनरली बोथ साइड के मूव देखने को मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ क्या रहेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे हम स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले एक एसएमई आईपीओ नेचर विंग्स हॉलीडेज की लिस्टिंग, तो क्या रहेगी वहां पर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआईआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईआई ने 1757 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआईआई ने भी 1176 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, पर्सनली अगर मैं अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं तो सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए और परसों के दिन भी काफी सारे आईपीओ बंद होने वाले हैं और वहां पर काफी अच्छे आईपीओ होने वाले हैं, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ को इजिली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अवॉइड करूंगा। मैं इस आईपीओ को कल के दिन अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बट ये मेरा फाइनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज स्टडी किया है। फिर भी अगर मैं कुछ ज्यादा ही हाईली अग्रेसिव पर्सन हूँ और मुझे जो आईपीओ अप्लाई करना होता तो वहां पर अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से 150x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तब जाकर हो सकता था कि मैं इसे बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर स्टडी करने की कोशिश करता। बाय द वे, आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी जीएमपी की, तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेचर विंग हॉलीडेज एसएमई आईपीओ की, पर्सनली अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो हर एसएमई आईपीओ में जो मेरे रूल्स बने हुए हैं कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग के लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं वहां से एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है, तो उस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। क्योंकि अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें जहाँ पर सिर्फ मजे ही मजे आते हैं, बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग जाए तो वहां पर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। बाय द वे, ये मेरे रूल्स बने हुए हैं एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप लोग अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर अपने रूल्स बनाइएगा और कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है या आप लोग चाहते हो कि वी के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर आज के दिन मार्केट ने काफी ज्यादा कंफ्यूज किया है हमारे लेवल के पास, जहाँ पर हमारा एक दो बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कल के लिए हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास रहने वाला है 25,970 के पास का, या फिर हम राउंड में बोल सकते हैं 25,000 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है और वहां पर सस्टेन करता है एटलीस्ट एक घंटा, तभी वहां पर जाकर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, अदरवाइज ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा। नीचे की साइड अभी भी ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 24,680 का लेवल। हाउएवर, अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।